कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय महाजन ने नूरपुर में एनएसयूआई के छात्रों के साथ बैठक के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अगर प्रदेश ने नूरपुर कॉलेज में शीघ्र प्राध्यापकों के पद नहीं भरे तो छात्रों के साथ वे भी आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज छात्र पहले भी खाली पदों को भरने के लिए लगातार मांगे उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है और आज तक इन छात्रों की मांग यथावक्त है। इससे इनके भविष्य के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति कितने प्रतिशत रही वे मायने रखती है, लेकिन जहां अध्यापक ही ना हो वहां अटेंडेंस कौन लेगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज में 2200 के करीब छात्र छात्राएं हैं, लेकिन 25 प्रोफेसरों के स्वीकृत पदों के एवज में 9 पद खाली हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई किस स्तर पर प्रभावित हो रही है उसका अनुमान स्वेता ही लगाया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने शीघ्र ही इन पदों को नहीं भरा तो वे स्वयं भी आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। ये पिछले कुछ दिनों से जो नूरपुर का ये ऐतिहासिक एक कॉलेज है जिसमें तकरीबन 2000 की संख्या है और जिसमें लड़कियों की तादाद ज्यादा है, उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी आवाज उठाते रहे कि यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है। पर इस सरकार के कानों में मेरे ख्याल इनकी जो आवाज पहुंच नहीं पाई और आज की स्थिति ये है कि जहां पर 25 या 26 की स्ट्रेंथ है, स्टाफ की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसके कोई तकरीबन 9 लेक्चरर्स यहां पे तैनात नहीं है, जिसमें मैथ्स का अब एक टीचर है जहां पर 3 होने चाहिए थे, केमिस्ट्री का एक टीचर है जहां पे तकरीबन मेरे कल 2 या 3 होने चाहिए थे, और जहां हिस्ट्री का एक भी टीचर नहीं है, ज्योग्राफी का एक भी टीचर नहीं है, हिंदी का एक टीचर है पूरे कॉलेज में जहां पे कंपलसरी सब्जेक्ट, और हालात ये बन गए हैं स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए कोई वातावरण नहीं रहा और टीचर्स नहीं रहे पढ़ाने के लिए। एक बार फिर सरकार को हमारे सब संगठन के माध्यम से, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए हुए हैं सचिन ठाकुर जी, फिर एक सरकार को कहने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टाफ का पूरा तादाद पूरी की जाए। अगर नहीं की तो फिर इनको और कुछ सोचना पड़ेगा और ढंग इनको अपनाने पड़ेंगे जो नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके स्टूडेंट्स एक बड़ी एक अनुशासित हमारा ये मतलब एनएसयूआई है, पर अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर हमें और कोई ढंग अपनाने पड़ेंगे अपनी आवाज उठाने के लिए। और बड़ी हैरानी की और एक बड़ा जो चिंता का विषय है, जो एक बात है कि जहां पे एक भी टीचर नहीं है उन बच्चों के लेक्चर्स कैसे पूरे लग सकते हैं, क्योंकि ये भविष्य का इनका जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा ये जो सरकार है इनकी आवाज, जो बच्चों की आवाज है, इसको सीरियसली लें और इमीजिएटली जो है यहाँ पे टीचर्स को तैनात किया जाए। मैं भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार को कि अगर यहाँ पे हमारे एनएसयूआई के माध्यम से जो मुझे कंप्लेंट्स आई हैं, अगर इस कॉलेज के अंदर जल्द से जल्द यहाँ पे स्टूडेंट्स को टीचर्स नहीं मिली और इनको सुविधाएं नहीं मिली तो हम भी वो राह अपनाएंगे जो हम सरकार को इनकी आवाज समझ आ जाए। तो ये मैं कहूंगा कि जल्द जो है इमीजिएटली इनकी जो सारी सुविधाएं और टीचर्स पूरी की तरह पूरी की। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, अगर प्रदेश सरकार जो भाजपा की सरकार इस टाइम प्रदेश में है, अगर नूरपुर कॉलेज में स्टाफ की कमी को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता तो एनएसयूआई इस सरकार का घेराव करेगी, यहाँ के विधायक का घेराव करेगी और एनएसयूआई अपने आंदोलन हमने एक जो एक मेमोरेंडम दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या को हल करे, अगर वो समस्या हल नहीं होती है एक टाइम पीरियड में तो एनएसयूआई अपने आंदोलन को और तेज करेगी। बिल्कुल हम एक छोटा सा ज्ञापन जो देंगे कि जल्द से जल्द जो वहाँ पे स्टाफ की नियुक्ति कर दी जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो एनएसयूआई हर कदम हर जगह पे भाजपा सरकार और विधायक का घेराव करने से पीछे नहीं है।